I can eat our life again and shallow. Okay. So, very, very good evening to each and everybody, and a humble welcome to Ummi Campaign Bukubit. A journey where we are gonna raise funds for the needy people who are in need of our help today, as usual. And we have been running Ummi since over, it's been over 1 month, and we are actually so happy and humbled by the love that you guys have given to us. Today we are going to go live again with one of the amazing speaker. He is a wildlife filmmaker from Arunachal Pradesh. Before I head into or introduce a little about him, I would just gently like to request each and everybody to please put it down in the comment section whether you're able to follow me or not, and just let me know how you guys are able to feel. How are you actually? And I will also add on and request you all guys to please support Ummi Campaign for COVID by donating whichever possible amount you can. The link for the donation is in the description. And so without further ado, let's invite today's speaker of Ummi Campaign for COVID. Let me tell you that he is an amazing wildlife filmmaker from Arunachal Pradesh, from the land of Apatanis. And here he is. Namaste, Anthony, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, ठीक हूँ। That's sweet of you. Namaste, namaste. अच्छा, नहीं, I have been to Zero and I know how people they greet people. It's आया पातो नो? आया पातो? आया पातो। आया पातो। ये, I got या it. So where are you actually live with us from now? ओके। सो आप कहाँ से सॉरी। अभी लाइव जा रहे हैं? कैन यू हियर अच्छा मी? अच्छा या आई कैन हियर यू। मैं अभी हूँ धामबुक में। दामबुक ना, इट्स अ मेचुका, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. आई वाज एक्चुअली प्लानिंग टू विजिट टू दामबुक रिसेंटली, बट दिस लॉकडाउन इज एक्चुअली हैपेंड. आई होप दैट यू आर हैविंग सम वंडरफुल टाइम. वहां पे लॉकडाउन कैसे चल रहा है? मेरा तो हाउ बहुत ही इज मस्त चल रहा मैनेजिंग? है। मतलब वहां पे भी लॉकडाउन जैसे ईटानगर में है वैसा है? नहीं, यहाँ पे इतना लॉकडाउन नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतना कोविड केस है नहीं, तो फिर आराम से लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। मजा आ रहा है देख के यहाँ पे, है लोगों को। वाह, आई कुड सेंस लाइक हाउ यू हैव बीन एंजॉयिंग अराउंड नेचर एंड द माउंटेन्स एंड द लश ग्रीन ट्रीज एंड द फॉरेस्ट एवरीथिंग. वेलकम, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस दिस स्पेशली टू यू टू उम्मीद. वेलकम तालो एंथनी. थैंक सच यू एन सो मच। हम्बल टू हैव यू टुडे ऑन उम्मीद कैंपिंग फॉर कोविड, वेयर वी बोथ आर गोना रेज फंड्स फॉर द नीडी पीपल, एंड आई फील सो हम्बल टू हैव यू टुडे. सो आई वुड जस्ट जनरली लाइक टू इंट्रोड्यूस टू ईच एंड एवरीबॉडी अबाउट तालो एंथनी एंड लेट यू नो मोर अबाउट हिम. तालो एंथनी, ही इज एन अमेजिंग वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर एंड ही हैज बीन अवार्डेड बाय यंग अचीवर अवार्ड for his tremendous work on wildlife by the International Film Festival, New Delhi, along with it, he has been awarded and honored by our governor of Arunachal Pradesh for his amazing work in the preservation of wildlife. And हम इसके बारे में और बातें करेंगे, बट आई वुड जेंटली लव टू नो लव इफ यू एड्रेस टू द एंटायर ऑडियंस और आप लोगों को बताएंगे अबाउट योर सेल्फ एंड योर जर्नी टू फिल्म मेकिंग. सबसे पहले तो जितना भी ऑडियंस हमें देख रहे हैं उन सबको नमस्ते। होनिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये मेरा लाइफ का फर्स्ट लाइव वीडियो है। तो बहुत नर्वस हूँ अरे मैं। नहीं, एकदम सुन रहा हूँ. जी, ठीक है। हाँ, चिल जी, ठीक है। ओके। एक्चुअली मेरा ऐसे शुरू हुआ है कि जब अभी मैं पीछे जाके देखता हूँ कैसे शुरू हुआ है, तो जब मैं 11 साल का था, तब मैंने अपना लाइफ का फर्स्ट फोटो खींचा था। तब उस जमाने में हमारे पास वो रील वाला कैमरा होता था जिसपे 25 और 26 हाँ, आई रील होते थे। रिमेम्बर. हाँ, तो घुमाओ घुमाओ फोटो खींचो, एंड देन आपको एक हफ्ते बाद या फिर 1 महीने बाद मिलता था वो। तो उससे मैंने एक फोटो खींचा था जो पापा ने मुझे दिया था फोटो खींचने के लिए। तो अभी अभी तक वो फोटो हमारे पास में है, घर पे रखा हुआ है एल्बम में। तो
तो वो जब फोटो को मैंने देखा, वो फर्स्ट फोटो था मम्मी और पापा का जो मैंने खींचा था. अभी देखता हूँ उसपे तो कुछ मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी जब देखता हूँ तो वो कंपोजिशन वगैरह जो है, फ्रेमिंग बहुत ही अच्छे से मतलब खींचा मैंने, पता नहीं कैसे खींचा खींचा मैंने. तो उसके बाद हमारे जो स्कूल डेज थे उसमें मेरे पास तो कैमरा नहीं था, लेकिन हमारे कोई सीनियर के साथ में होते थे, उनसे जाके मांगता था, फिर हम रील बना के हमारा दोस्त सारा एक पैसा डोनेट करके फिर हम रील लेते थे, उसको डाल के हम हाइकिंग में जाते थे या फिर पिकनिक जाते थे, वहां पे फोटोज लेते थे. तो इसी तरह हमेशा फोटोज खींचने में मजा आता था. तो वो फोटोज खींचते खींचते फिर बीच में वो गैप रह गया मेरा कि वो फोटो खींचना बंद हो गया, फिर मेरे को दूसरे काम में बिजी हो गया. लेकिन फिर 2011 में मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग एज कंप्यूटर ऑपरेटर. तो फिर वहां पे हम बहुत सारे जो ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे मैं काम कर रहा था. तो वहां पे क्या होता है कि एवरी ईयर हम वहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं, फॉर 1 वीक रखते हैं. तो वहां पे जो भी प्रोग्राम होता है उसको मैं मोबाइल से कैप्चर करना शुरू कर दिया. तो जब मोबाइल से फोटो खींचता था, फिर बाद में हमारे जो DFO थे मिलो तसर, तो फिर उन्होंने देखा, सर ने देखा, उन्होंने उनके पास में एक, जब भी मैं उनके साथ जाता था तो फिर जब उसके पास कैमरा होता था तो मुझे दे देता था कि तुम फोटो खींचो. तो फिर मैं वहां से फोटो खींचता था, और वो बहुत सारे हमारा कुछ भी जब पब्लिश करना हो तो वहां पे आते थे, तो वही फोटो यूज होते थे. तो DFO सर को लगा कि ये इंटरेस्ट है, कर रहा है लगता है फोटो में. तो फिर ऑफिस में था, बाकी सारा काम होने के बाद में उस समय में वो हमारे इंटरनेट नहीं चलता था, तो जहाँ मैं रहता था रूपा वहां पे DSLR सिर्फ था, और वो सिर्फ फोन के लिए था, तो इंटरनेट तो बहुत दूर की बात था, लेकिन हमारे ऑफिस में था. तो 2011 से मैं यूट्यूब से फिल्म मेकिंग सीखना शुरू किया कि ये फिल्म बनता कैसे, आई मीन ये वीडियो बनाते कैसे. तो फिर वहां से मैं वीडियो देखना शुरू किया, फिर मैं कुछ ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, फिर घर पे जाके मैं एडिट करता था. मेरे मेरे जो कंप्यूटर था वो 2 GB रैम था, अभी तो हमारे 4-6 GB रैम आ जाता है. तो और वीडियो एडिटिंग के लिए रैम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रैम और हमारे जो ग्राफिक कार्ड. तो फिर उस पे मैं एडिट करता था. फिर एक छोटा सा कैमरा मैंने खरीदा, सेकेंड हैंड में खरीदा मैंने कैमरा. फिर वो खरीदने के बाद में उससे मैं कुछ कुछ वीडियो शूट करना शुरू किया, होम वीडियोस वगैरह, जैसे कि हमारा वहाँ पे ड्रीम फेस्टिवल हम मनाते थे, तो उसका वीडियो शूट करके फिर उसको एडिट करना शुरू किया. तो एडिट करने के बाद में, एडिट हो जाने के बाद में जो रेंडरिंग टाइम होता था हमारा, तो उस पर बहुत समय लगता था. तो एडिट हो गया, होने के बाद रेंडरिंग में मैंने लगा दिया, तो ये कम से कम आपका 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स चला गया, क्योंकि 2 GB रैम में आप कितना ना सपोर्ट करोगे. तो वो रेंडर हो रहे हो रहे, जब 98-99% जब पहुंच जाता है, आपको पता ही अरुणाचल का लाइट, वो चला गया था. तो फिर सारा प्रोसेस वापस से री करना होता है. तो रात रात भर जाके भी मैं काम करता था, क्योंकि मजा आता था वो करने में, तो ऐसा नहीं लगता था कि वो काम है, वो तो मजा ही आता था. तो फिर वो करता था, ऐसे करके मैं वीडियोस देना शुरू किया. तो फिर 2015 में DFO सर को एक ईमेल आया, तेजपुर में ग्रीन हब करके एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो ये क्या करते हैं कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने सारे यंग लड़का लड़की जो भी है जिसको इंटरेस्टेड है वो सीखना, तो उसको वो बुलाकर वहां पे उनको ट्रेनिंग देते थे. तो मेरा तो बहुत मन था कि मैं इसे प्रोफेशनल वे में लेके जाऊं, कुछ सीखूं. लेकिन क्या हुआ कि मेरा घर का कंडीशन इतना कुछ खास ठीक है नहीं है. तो 2008 में मेरा पापा एक्सपायर हो गया, तो फिर सिर्फ मम्मी था जो सारे घर को संभालते थे, और हम 4 बच्चे, मैं सबसे बड़ा था उसमें. तो फिर ये बहुत ही मुश्किल था कि कहीं जाके सीखूं या कुछ वो करूं. तो फिर अपने से यूट्यूब में सीखना शुरू कर दिया था. तो ये 2015 में जब सर को मेल आया, तो सर ने फोन करके पूछा कि ऐसा ऐसा कुछ है, तुम इंटरेस्ट हो गया. मैं बोला सर इंटरेस्ट बिल्कुल जाना है. तो फिर ठीक है करके सर ने वो फॉरवर्ड किया, हमने सारा लिख के उनको सबमिट किया. सबमिट करने के बाद में वहां से एक कॉल आता है कि आपका ये फॉर्म सेलेक्ट हो गया, आपके साथ में अभी ये फोन कॉल एक इंटरव्यू होगा. तो मैं ठीक के करके पूरा रेडी करके बैठा, तो एक बार फोन आया, ऑफिस में था मैं, फोन आया. फोन आने के बाद में मैं उनको बात किया, तो बात करने के बाद में उन्होंने फोन रखा, बहुत ही नॉर्मल जनरल क्वेश्चन पूछा, तो इंटरेस्ट के बारे में ये सब के बारे में पूछा. मैं बताया उनको, फोन रखा, फिर बाद में नेक्स्ट डे फोन करके आप बताते कि आप सिलेक्ट हो गए हो फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए आना. तो जब हम वहां पे गए तब पता चला कि हमारा जो फॉर्म था इंटायर नोटिस से 149 फॉर्म आए थे जो सबमिशन के लिए. तो वहां से हम 50 जन सेलेक्ट हुए थे फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए.
और वहां से 20 को सिलेक्ट करना था। तो जब हम वहां पे गए तो हमें एक होटल में रखा, हम सारे लोग वहां पे आके बैठ गए। बैठने के बाद में पूछा कि सबको मिल लेते हैं, सब लाइन लाइन बैठ था, सबको जाके मिला, बात किया। तो मेरा बेड उससे कॉर्नर में था। इसके बाद में मेरा एक दोस्त वहीं पे दोस्त हो गया, शिलोंग से था, अभी अभी तक दोस्त है था। तो फिर वो लोग आगे में बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो धीरे धीरे करके उनके पास गया, हम सोचा थोड़ा बात कर लेते हैं जाने के बाद में, क्योंकि उससे पहले मैं DSLR कभी लाइफ में छुआ नहीं था, यूज नहीं किया था। तो मैं पॉइंट एंड शूट जो कैमरा होता था उसी से मैं यूज करता था, वीडियोज बनाता था। तो गया उनके साथ में, तो देखा एक ने इतना बड़ा सा एक एल्बम निकला अपने बैग से, फोटो दिखाना शुरू किया, ये देखो मैंने इसके लिए खींचा, उसके लिए खींचा, ऐसे किया। मैं डर गया, सोचा यार ये तो गलत जगह में आ गया। तो फिर दूसरा ने एक मैगजीन निकाला, मैं मैगजीन के लिए फोटो खींचता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो मैं और डर गया। डरने के बाद मैं थोड़ा कि देखो इसमें तो अगर हमको पूछ लिया तुम क्या काम करते हो तो फिर मैं तो खत्म हूँ, इसलिए एक बेड वापस से अपने साइड में आ गया, आने का वहां पे बैठ गया। बैठने का फिर ये लोग बात करना शुरू किया कि अच्छा तुम ये फोटो खींचते हो वो फोटो, तो मैं थोड़ा सामने पास गया फिर से, फिर सुनने लगा। तो जब सुन रहा था तो उन्होंने बोला कि आप कौन से सब्जेक्ट में फोटो खींचते हो, तो मैं सोचा ये फोटोग्राफी सब्जेक्ट भी होता है। तो मैं पीछे चला गया, उसके बाद में जाके मैं चुपचाप सो गया। मैं दोस्त को बोला कल सुबह, कल हमारा ये इंटरव्यू था, मैं बोला कल तो इंटरव्यू नहीं देना है, सीधा घर चले जाना है, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ना मेरा माइंड के ऊपर से जा रहा है, वो कुछ लाइफ में कभी DSLR छुआ नहीं है तो ये है। तो ऐसे करके वहां से लकीली सेलेक्ट हो गया मैं वहां, जब इन्होंने बताया कि आप इंटरव्यू दे दिया फिर सेलेक्ट हो गया। इसके बाद से वहां पे मैं प्रॉपर ट्रेनिंग 2015 में मुझे मिला। तो वहां से फिर मैं सारा वो चीज को छोड़ के और इसी पे लग गया कि चलो यही करते हैं। That is, I think like that is such a cute story, I would say, because I know कि यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे इतना exposure नहीं है, ना कि film making का इतना exposure है, ना कि जो freelancing जो होता है यहाँ पे इतना abundant नहीं है, and especially from the kind of a people like you know 10 years back. May I please ask you like when did you started classes? आपने कब कौन से year में दी थी? जो ग्रीन हब का, हाँ हाँ नहीं आपने जो वो क्लासेस जो ना फिल्म मेकिंग का जो क्लासेस था, व्हेन डिड यू टेक दोस क्लासेस? क्लास तो मैं 2015 में लिया था, लेकिन जब यूट्यूब से स्टार्ट 15 तो, लेकिन जब मैं यूट्यूब से स्टार्ट किया अपना सीखना वो 2011 से मैंने स्टार्ट किया था। Yeah, just see like you guys are so I would say so advanced than what we people are, because in 2011 I did not know what YouTube was about and you guys are open searching on. That was so commendable, and but I would also love to tell everybody like you know Talo Anthony is not just a wildlife filmmaker, but he is an example. He is an epitome of a small town boy who is coming from a really like you know small place whereby the accessibility is really difficult, but जहाँ पे लोगों को ना कि इतना training मिलता है, ना कि इतना resources होता है, ना कि इतना knowledge होता है regarding this filmmaking, what he is actually doing. But then he is a kind of a person that I felt is that so passionate about filmmaking that he chose his own path. He made his own path, and now he has been such a successful and wonderful person, like doing so tremendous work. And Anthony, you deserve a big applause. And you've been a such an inspiration from each and every person, like from Arunachal especially, who is willing to pursue filmmaking as a career. And people they don't know about. कि इतना श्योर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हमेशा यही सिखाया जाता है कि गवर्नमेंट जॉब, आप जब बड़े हो गए तो गवर्नमेंट जॉब, एंड होप सो कि आपको भी यही बोला था होगा, है ना? हाँ, और आपने इतना तारीफ कर दिया, इतना तो कभी मेरे माने कि मेरे लिए तारीफ नहीं किया था। No, I absolutely after listening to your story, the way you said like you know सब लोग अपना मैगजीन दिखा रहे थे, and then you went to bench back, and then you went to bench. That was actually so cute, because when we go to a space, like when I went to college for the first time, I also remember because I also came from Arunachal. And we don't have much exposure over here.
सो व्हेन वी मीट द पीपल, जब हम लोग बाहर के लोगों से मिलते हैं, वी फील इंफीरियर एंड दैट्स द ट्रूथ, बिकॉज पीपल दे आर सो मच एडवांस इन वेल स्पोकन, वेदर इट इज अ स्पोकन स्किल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और सम अदर नॉलेजेस एंड ऑल, दे हैव बीन ऑलवेज लाइक यू नो, मैम मैम आई विल आंसर द आंसर, आई विल आंसर द आंसर इन लाइक दैट, एंड वी यूज्ड टू बी द पर्सन हु यूज्ड टू सिट क्वाइट, एंड आई टोटली टोटली गेट इट. एंड फ्रॉम दैट फेज ऑफ टाइम नाउ, बिकॉज आई वॉज द सेम पर्सन, आई वॉज द सेम पर्सन हु यूज्ड टू स्टे क्वाइट इन द क्लास, एंड द जर्नी ऑफ मी फ्रॉम देयर टू हियर इज सो सो चैलेंजिंग, इट्स सो सो डिफिकल्ट एंड सो सो प्रोलॉन्ग, एंड आई कुड टोटली इमेजिन कि आपको वो वाली जगह से यहां तक, ये जो लाइव सेशन आप कर रहे हो वहां तक जर्नी आपको कितना डिफिकल्ट रहा होगा, एंड यू यू डिजर्व इन फुल रिस्पेक्ट आई विल से. और जैसे कि आपने पूछा कि वो आप बिल्कुल सही बोला है, जो अभी तक हमारे बाकी स्टेट में जब हम बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि अभी वो आगे बढ़ चुके हैं। आई मीन वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे अटक के नहीं रहा है, बहुत सारा प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब अपनी लाइन पे प्रोफेशनल लाइन पे कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शायद अभी चेंजेस आ रहे हैं, हम लोग चेंजेस करना है, हमें ये चेंज लाना है। तो अभी जब भी इवन किसी से मिलता हूँ तो सबसे तीन क्वेश्चन होते हैं और एक सजेशन होता है उनका। सबसे पहले तो करते क्या हो, मैं बताता हूँ, मैं ऐसे फिल्म मेकिंग करता हूँ, प्रोजेक्ट लेता हूँ, काम करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन, गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट है, उसी उनको बताता हूँ कि हाँ गवर्नमेंट के साथ भी करता हूँ, प्राइवेट के साथ भी करता हूँ, एनजीओ के साथ भी काम करता हूँ, डिपार्टमेंट के साथ भी काम करता हूँ। तो फिर तीसरा क्वेश्चन होता है, सैलरी कितना मिलता है। तो फिर उनको बताता हूँ कि अपना पेट पालने के लिए चल रहा है जैसे तैसे। तो फिर जो अच्छा सुनने के बाद जो फोर्थ होते सजेशन होते, वो बोलते कि अभी कल ही वहां पे एक न्यूज़पेपर में देखा था, एक एड निकला है, कुछ जॉब आया है गवर्नमेंट जॉब, अप्लाई करके देखो उससे, पुलिस का आया है पुलिस अप्लाई करो, इवन आर्मी आया है वो अप्लाई करो। देखिए वो बोलते तो मैं ठीक है अंकल करके निकल जाता हूँ कहते हैं। क्योंकि वो बात, हाँ वो बात खराब नहीं है, आई मीन उनका जो सजेशन देते हैं वो बिल्कुल खराब नहीं है। वो भी सोचते हैं कि आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा, ये जॉब करोगे तो ये वो, और कहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब कर लो। मैं पूछता हूँ क्यों, तो वो कहते हैं कि क्योंकि वहां पे कुछ काम करना नहीं पड़ता है इसलिए गवर्नमेंट जॉब कर लो। तो ये है। और फिर दूसरा है कि तो अगर होल्ड ऑन, द मोर यू वर्क द मोर यू आर गोना ग्रो, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एनीथिंग, या और फिर आई मीन अगर वो जॉब इसको छोड़ के मैं दूसरा जॉब कर भी लेता हूँ तो शायद अभी जितना मतलब अच्छा से दिल से कर रहा हूँ उतना शायद 100% नहीं दे सकता मैं। अगर मैं अपना 100% भी दूँ तो वो इतना अच्छा से निकाल के नहीं आएगा जितना ये काम में मैं निकाल के ला सकता हूँ। That is so true, and the kind of work that you are doing is something that I am sure you are gonna inspire a lot of people. And we are actually so excited to see some journey of your work as well. The kind of work that I know that you have worked with so many national and also some northeast mein bahut sara kaam kiya hai regarding preservation of wildlife. You have worked with Incredible India and also with Arun Prabha Doordarshan, and I think so many firms. I think we would love to see some of your work if you feel us to share something with us, if you feel to share something with us. या श्योर श्योर। ये 2000 शायद 2 साल पहले की बात है, जो हमारा असम गवर्नमेंट है, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एएसबीबी करके उनका है, असम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। तो उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया था कि जो असम में है ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट के ऊपर में एक हमें फिल्म बनाना है छोटा सा, तो ताकि वो उसे दूसरी जगह में दिखा सके क्या एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि अगर वो पीसीसीएफ जाके उनको बात करे तो उनको सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, इसलिए हम ग्राउंड पे जाके उस पे फिल्म बनाना शुरू किया था। तो वो वीडियो है शायद यहाँ पे एक, या अगर वो इसके शेयर है कर सके तो। So to all the audience, like Anthony is gonna share some screen with us. So please stay by it, and I am personally so excited what he has got for us. Yes, are you able to see? Oh yeah, it has come. में आ गया।
वाओ, ए दैट हाथी, हाथी. दैट हाथी एंड दैट्स अ मैन. व्हाई दैट हाथी इज चेजिंग दैट मैन? वो गिर गया, लेकिन वो हाथी साइड से निकल गया. ओह, दैट अ ब्यूटीफुल शॉट. नाइस. होंगहाट द कॉन्फ्लिक्ट. तो वीडियो हम इसी पे इतने में रख देते हैं, क्योंकि आई थिंक वो साउंड नहीं आ रहा है, तो फिर वो सारे इंटरव्यू के ऊपर में है वीडियोस, हाँ, सो तो वो कुछ दैट स्टोरी, मतलब ऐसे देख के लग रहा था कि यू, मतलब वहां पे ऐसे थे कि हाथी जो इज कॉजिंग हार्म टू ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग इज कॉजिंग हार्म टू हाथी. व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट, मुझे एक्चुअली. समझ नहीं आया. हाँ, क्योंकि ये जो ये सिर्फ अभी जो था मोन्टाज था हमारा, कि उस फिल्म में सारा क्या क्या कुछ हो रहा है. तो एक्चुअल में देखना चाह रहा था कि हाथी अभी इतने सारे, जब आसाम में आप जाओ ना, क्योंकि अरुणाचल में हम बहुत फ्री आराम से बैठते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं कि हाथी कर क्या रहे हैं आसाम में, कितना प्रॉब्लम हो रही है हो रहा है. लेकिन जब आसाम में आप ग्राउंड में जाओ ना, तो सर उनका जितना पेडी फील्ड होते हैं उनको वो खा जाते हैं, बनाना खा जाते हैं, उनके घर तोड़ देते हैं, तो वो सारा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. तो हम इसलिए उसको देखने गए थे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कि अंदर हो क्या रहा है. तो इसीलिए ये मोन्टाज मैंने बनाया था, ताकि थोड़ा तो इंटरेस्टिंग लगे जब फिल्म आप स्टार्ट करते हो. जैसे कि आप भी इस लाइन में, आपको पता है कि जो हमें जो फर्स्ट का 2 सेकेंड 5 सेकेंड होता है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है कि ऑडियंस आप लेके रखो. तो इसलिए मैं मोन्टाज ये डाला था. इसके बाद इसी के ऊपर सारा फिल्म हमारे बेस्ड है. तो क्या होता है कि हाथी जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट ये एनिमल है, जानवर है. तो जो रास्ते वो एकदम बहुत पुराने समय से चल रहे थे, जैसे उसका कोई दादा दादी चल रहे थे, तो वही रास्ते को वो फॉलो करते हैं, चाहे जितने भी दूर हो जाए. तो जब वो विंटर में होते वो ये पहाड़ में आ जाते हैं, जब समर आते हैं तो फिर वो वापस से इस पे आ जाते हैं, फिर समर में पहाड़ में चले जाते हैं. तो ये इनका जो कॉरिडोर होता है रास्ता, वो उस पे चलते रहते हैं. लेकिन अभी क्या हो गया कि जैसे हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो इसीलिए वो हमें लैंड की ज्यादा जरूरत हो गई है. तो अभी घर के सामने में छोड़ के हम अभी धीरे धीरे जमीन को हड़पना शुरू कर रहे हैं, दूर दूर, जैसे कि पहाड़ों में चले गए या वो दूर खेती करने चले गए. तो उसी बीच से क्या होता है, हाथी का रास्ता होता है जहाँ पे वो खेती कर रहा है, तो वहां पे वो आते हैं, फिर उसको डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं. अगर सोचिए आपके जो आपने आपके बगीचे है या फिर खेती है, अगर वहां से 200 हाथी एक बार में चले गए रातों रात, तो क्या होगा आपका खेत हाँ, का? आई अंडरस्टैंड, हाँ, तो इसी तरह वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया. तो फिर हमारे जो विलेजर्स है वो उनको भगाने के लिए ये ढूंढना शुरू हो गया, कि उसको कैसे भगाया जाए. कोई बम फोड़ते हैं, जो पटाखा होता है हमारा वो फोड़ते हैं, कोई प्लेट बजाते हैं, कोई स्मोक वगैरह कुछ फेंकते हैं. तो इसी के ऊपर सारा हमारा फिल्म था, ये जो फिल्म है. तो अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल में है, जो इंटरेस्टेड है वो जाके देख सकते हैं, जेनेसिस फॉर नॉर्थ ईस्ट, सेल्फ या प्रमोशन. एंड आई थिंक लाइक कि ये जो काम था ये बिल्कुल भी आसान नहीं था होगा, बिकॉज यू विल हैव टू लाइक यू नो शूट द रियल इंस्टेंसेस. क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ कि हाथी को भगा रहे तो हाथी विल नॉट बी वायलेंट. डिड यू एवर अक्रॉस सम काइंड ऑफ अ सीन जहाँ पे आप किसी को शूट कर रहे हैं, किसी एनिमल को शूट कर रहे हैं, एंड वो एनिमल ऐसे रिग्रेस हो गया, मतलब ऐसा वाइल्ड हो गया, कभी ऐसा हुआ क्या? हाँ, ये तो बहुत बार होते रहते हैं. आई मीन जब भी हम किसी नेशनल पार्क के अंदर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेशल परमिशन होता है जो हम अंदर जा सकें. जहाँ पे टूरिस्ट सिर्फ जीप सफारी करते हैं, तो उनका सिर्फ एक ही रूट होता है कि आप यहाँ से जाओ, वहां से वापस आ जाओ. लेकिन हमारा स्पेशल परमिशन होता है जो हम कहीं भी जा सकते हैं पार्क में. तो हमारे साथ में फॉरेस्ट गार्ड रहता है, हमारे पास परमिशन रहता है, क्योंकि हम उसी के लिए काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के. तो इसलिए हम सीधे अंदर चले जाते हैं. और आप सोचिए, जहाँ पे इतने सारे जानवर अपने जंगल में रह रहे हैं, तो उसके बीच में हम आ जाते हैं. ये तो ऐसा हो गया ना कि आप घर पे आराम से बैठे हो और मैं आपके घर में सीधे आ गया. तो ऑब्वियसली अगर मिल गया तो हमला कर ही देते हैं. लेकिन फिर हमारे साथ में जब हम जाते हैं, एक फॉरेस्ट गार्ड होता है हमारा आगे, एक फॉरेस्ट गार्ड हमारा पीछे, और बीच में हमारा टीम जाते हैं. तो अगर कुछ आ गया तो फिर वो ब्लैंक फायर करते हैं वो हाथी को थोड़ा दूर करने के लिए, ताकि रास्ता क्लियर हो जाए, हम आगे जा सकें. और तो इस पे कभी कभी क्या होता है कि वो
एक बार हुआ था, हम जीप में थे, हम जीप में जा रहे थे, वो टाइगर का एक सूट था काजीरंगा में, गए अंदर, गए जाने के बाद वापस आया, देखा तो आगे हमें एक हाथी, फीमेल एलिफेंट और उसके एक बेबी, तो वो दिखाई दे रास्ते में था। तो हमने, अरे ये तो बढ़िया है, तो हम शॉट वोट लेना शुरू किया। शॉट लेने के बाद में, तो जब हम हमको होश आया, हम पीछे मुड़ के देखा तो पीछे से हाथी का एक झुंड खड़ा है हमारे सामने। तो हमको लगा कि आगे हाथी वो बेबी के साथ में, और जो फीमेल अपने बेबी के साथ होते हैं वो सबसे एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि वो अपने बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इवन हाथी को छोड़ दिया, आप जब वो चिकन को देखते हो ना, मुर्गी जो होता है बाकी समय भी नॉर्मल है, लेकिन अगर उसी समय छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो माँ बहुत ही एग्रेसिव हो जाती है, सीधा आके आपको भगाना चाहिए। तो ऐसे ही हाथी और बाकी सारे जानवर के साथ में भी होता है। तो इसी तरह वो आगे से आना शुरू कर दिया, पीछे से जो हाथी था वो आना शुरू कर दिया, साइड में देखा साइड दोनों ही साइड में हाथी है। तो ये सारा एक जून था उनका, और हम बीच में आ गए थे। तो हम तो सोचा कि खत्म आज हमारा लाइफ लेकिन हमारे जो गार्ड थे फिर कैसे किया, फिर कैसे बच गया? हाँ, तो हमारे साथ में जो गार्ड थे, गार्ड हमारे हमेशा रहते हैं, तो उन्होंने एक ब्लैंक फायर किया, गन निकल के ब्लैंक फायर किया, तो उनको ऑथराइज होता है करने के लिए, तो ब्लैंक फायर किया, तो हाथी थोड़ा सा साइड हुआ और हम जीप निकल के वहां से भाग गए। तो ये सब तो होते हैं। I think like ये सारे जो incidents होते हैं, this has left been, this has become one of the most memorable moments in our life. And of course, that seems to be, I can just imagine myself, if I would have been there, then I would have just fainted over because there's so many elephants in and around us, in and around me. So I wouldn't be having acted so calm the way you have acted, Anthony. So Anthony, like one thing is there, like, you know, the way you have explained about your journey from how you went to a class and then how you opted for the filmmaking, of course the journey that you have done and worked with so many other big people on it with Incredible Indias, and I think you have been working with other Discovery's channel as well, so the journey has not been really easy. And many of the people, they don't know how to make a filmmaking as a career. And wildlife filmmaking, wildlife photographer are actually one of the most expensive. They'll be highly paid photographers, like, you know, highly paid job. I would say in outside, but not in international. So what, how do you like to guide the other people, the aspiring filmmakers who want to pursue filmmaking as a profession, as a career? ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल सा बात है। आई मीन सिर्फ नॉट जस्ट वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग और अदर फिल्म मेकिंग, लाइक फिल्म मेकिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और विजुअल इफेक्ट्स वगैरह जो भी है, जो भी साउंड रिकॉर्डिंग से जो भी करते हैं, इतना आई मीन एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप जो काम को बहुत पसंद करते हो, आई मीन जो आप करना चाहते हो लाइफ में, अभी जैसे कि ऐसा नहीं है कि मुझे भी पता चल गया था कि मैं यही करने वाला हूँ, मैंने भी लाइफ में बहुत सारे कुछ काम किए, जैसे मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहा था, फिर जाके मैंने अपना एक साइबर कैफे खोला, वो चलाया, एंड देन फिर दूसरे बिजनेस किया मैं। तो ये सब सारा कुछ करने के बाद में, बाद में जाके पता चला कि नहीं, सबसे ज्यादा काम मजा मुझे इस पे आ रहा है, तो बाकी सारा काम को मैं पीछे छोड़ दिया और इस पे मैं ज्यादा फोकस करना शुरू कर लिया। तो जब आप इस काम पे फोकस करना शुरू कर देते हो किसी भी काम को, तो इसलिए बोलता हूँ कि बस आप हर एक काम को करके देखो, सीखना जरूरी है, लेकिन उसमें से सबसे मजा किस में आ रहा है उसको काम करो। अभी जैसे कि जब मैं काम करता हूँ तो कभी कभी जब एडिट कर रहा होता हूँ तो टाइम का पता नहीं चलता है, सुबह मॉर्निंग हो गया 3-4 बजे भी मैं एडिट कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अगर यही काम किसी दूसरे कंपनी के लिए या फिर किसी और चीज में मैं कर रहा होता तो बहुत बोर होता मैं, तो सुबह जाता काम करता शाम को खत्म कर देता हूँ। तो इसी तरह क्या होता है कि जो भी आप काम फील्ड में काम करना चाहते हो, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, इवन फिल्म मेकिंग हो, या फिर कोई भी प्रोफेशन आप करना चाहते हो, तो उसी पे आपका सारा फोकस लगा दो, सारा उसी पे आप एकदम जी जान लगा दो, सीखने में लग जाओ, हर दिन कुछ ना कुछ सीखो। इवन अभी भी मैं जब भी टाइम फ्री होता हूँ यूट्यूब में देखते रहता हूँ नया कैमरा कौन सा आया है, कौन सा नया सोर्स आ रहे हैं, कौन सा इफेक्ट यूज कर रहे हैं, इवन अभी तक एवरी डे मैं देखता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप जो काम आप कर रहे हो उससे आप इतना माहिर बन जाओ कि जब भी वो काम के बारे में कहीं बात हो रहा हो तो सीधा आपका नाम याद आए। तो जब आप उतना काबिल हो जाओ
तो फिर आप बिल्कुल कोई भी काम को आराम से कर सकते हो, क्योंकि हर किसी का जर्नी एंड अलग द होता है. ओनली थिंग इज दैट कि या आई वुड जस्ट लाइक टू इंटरप्ट इन बिटवीन, सो सॉरी. ये अनुमति है. आई वुड एक्चुअली लाइक टू आस्क यू, बिकॉज पीपल दे हैव द क्वालिटीज, दे नो दैट दे आर सो गुड स्किल्स इन इट, बट दे डोंट नो हाउ टू रीच आउट टू पीपल, हाउ टू गेट द क्लाइंट एंड हाउ टू गेट अर्निंग, हाउ टू लाइक यू नो स्टार्ट अर्निंग मनी फ्रॉम इट. And the kind of collaborations and the kind of the platform that you have been into with Incredible India, Under Discovery, working with Big Big Producer, another firm. So this is something that everybody cannot access to it. Everybody cannot experience it. So how did you do it personally? What was your strategy, like you know, from a small town boy to working with Discovery Channel and Incredible India, all these kind of firm? तो इसपे क्या होता है कि इवन व्हेन आई स्टार्टेड, मैं सीधा उनके पास में गया नहीं, और या फिर मिला नहीं मुझे कि आ जाओ आप करो, या फिर ठीक है तुमको दे देता हूँ काम करके. तो मैं बहुत छोटे से शुरू किया, कोई भी आप काम दे तो मैं उस हिसाब से काम करता था. प्रमोशन वीडियो बनाता था या फिर कोई भी वीडियो बनाता था. लेकिन इसमें क्या होता है कि आजकल प्रमोशन का बहुत जरूरी होता है. जितना दिखाओगे उतना बिकेगा, ये एक बात है. एंड देन दूसरा है कि आप जितना फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उसको अटेंड करने का स्टार्ट कीजिए, उससे कोशिश कीजिए फिल्म फेस्टिवल्स का, जिसपे भी आप इंटरेस्ट हो. जैसे कि आप फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट हो तो जितना फिल्म फेस्टिवल हो उसमें अटेंड कीजिए, या फिर कोई ट्रेनिंग है उस पर अटेंड कीजिए. तो उसमें क्या होता है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनसे आप मिलते हो, जो रिसोर्स पर्सन है उनसे आप मिलते हो, उनके साथ में आप नंबर शेयर कीजिए, किसी से उनको टेक्स्ट कीजिए, या फिर इवन अभी पकड़ लीजिए आप कोई ले लीजिए. जैसे कि अगर YouTube में कुछ करना है तो फिर अगर कोई बहुत ही इंटरेस्टेड है ऑब्वियसली, अगर आपको एक मैसेज किया तो आप उसे जरूर गाइड करोगे कि हाँ इसको ऐसे करना है वैसे करना है. और अगर नेक्स्ट टाइम कुछ किसी उस पे वीडियो बनाना है, आपका टाइम हुआ नहीं है, कुछ कॉलेप्स हो गया या फिर कहीं वो है, तो आप बिल्कुल उसको रिफर कर सकते हो ना कि हाँ यहाँ पे एक लड़का है या फिर लड़की है वो करता है तो मैं उसको दे देता हूँ. तो ऐसे ही मेरे पास में भी जब भी फोन आता है, जब मैं नहीं जाता हूँ नहीं सकता हूँ, तो मैं दे देता हूँ किसी और को कि अगर आप फ्री हो तो कर लो, या फिर है आप फ्री हो क्या कर सकते हो, कि उनको पूछ लेता हूँ. तो वैसे ही जो मैं जिसको मैं जानता हूँ जब उनके पास काम आता है, तो उनका अगर उनका पास में टाइम नहीं है तो सीधा मुझे वो रिफर करते हैं कि वो है कर सकता है एक बार पूछ के देखें. तो इसी तरह जो आपका कनेक्शन है बॉन्डिंग है वो आपको बढ़ाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए उनको. इतना भी ज्यादा नहीं कर देना चाहिए कि ताकि वो इरिटेट हो जाए, लेकिन हाँ करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए. हाँ पूछना चाहिए कि क्या कुछ कर सकते हैं, और आपका काम को आप दिखाओ कि मैं ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ. तो उस हिसाब से जब भी नेक्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट आएगा कुछ भी आएगा, तो जो कनेक्शन है ना वो चेन वो बढ़ती जाएगा. एक के पास हुआ वो नहीं सका तो फिर किसी और दूसरे को देगा, तो अगर वो दूसरे को नहीं हुआ तो फिर तीसरे को देगा. और इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि जब आपको काम देते हो ना, तो उसको जो जिस हिसाब से देते हैं तो उस हिसाब से वो काम को आप बिल्कुल पूरा करके उसे दे दो. अगर आप काम सकते हो तो हाँ ठीक है मैं करूंगा, अगर सीधा बोलो. अगर नहीं सकते हो तो कुछ भी है तो आप सीधा बोलो कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा. लेकिन अगर पहले हाँ बोल दिया, बाद में वो देर कर दिया, अटका दिया, कुछ कर दिया, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपका चांस मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर मुश्किल हो जाए. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हाँ, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना कनेक्शन बढ़ाओ, लोगों से मिलना मिलना जुलना बढ़ाओ, और उनको कॉन्टेक्ट करना शुरू करें. And one thing I would just love to add with whatever the Anthony has said to all the aspiring filmmakers or the people who want to get into this field is quality matters. So there are so many, like you know, the freelancers or some other people they have been working, but what people recognize is the kind of content and the kind of everybody has its own different taste. Everybody has its own story. Everybody has its own. Like you know, flavor of the entire video, how they edit it, how they click the picture. Like, you know, some finds inspiration in wildlife. Just Anthony finds inspiration in wildlife, and some find inspiration in landscape, nature. So everybody has his own taste. So whatever the taste that you are having, just nail in it. Like now, like you know, you just give your 100% and make sure that you take care of the quality. Because if you take care of the quality, then your client will be more happier. The client will obviously, agar aapko dusra koi project aaya hai, so they will definitely get in touch with you.
कि आप मेरा फिर से काम करो. देन आई होप दैट एंथनी विल अग्री विद मी ऑन दिस. यस एंथनी. या डेफिनेटली बिल्कुल सही बोला आपने. या दैट इज एक्चुअली सो स्वीट ऑफ यू. एंड अनदर लाइक यू नो एनीथिंग एक्स्ट्रा दैट यू वांट टू डिलीवर टू पीपल अबाउट लाइक हाउ डू दे वांट टू इवॉल्व फिल्म मेकिंग एज अ करियर बिसाइड्स दैट एनीथिंग एल्स दैट यू आर डू यू थिंक लाइक मेरे को शेयर करना चाहिए. तो सबसे पहले जब हम फिल्म मेकिंग बोलते हैं या फिर फोटोग्राफी बोलते हैं तो बहुत सारे लोग के बीच में ये एक मिसकंसेप्शन आ जाता है कि कैमरा अच्छा होना चाहिए. अगर वो मेरे पास में भी 3-4 लाख वाला कैमरा होगा ना हम भी फोटो खींच देंगे ऐसे. तो ये तो वो बात हो गया ना कि आपको अगर वो जो पेंटिंग ब्रश है वो अगर आपको 20,000 वाला एक पेंटिंग ब्रश खरीद के दिया, कलर भी आपको 10,000 वाला खरीद के दिया, उससे आप आर्ट कर सकते हो? नहीं. लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो एक पेंसिल से भी उसको बहुत ही सुंदर आर्ट कर लेगा. तो यही जो हमारा यहाँ तो ये बहुत मैटर करता है कि आप ये मत सोचो कि कैमरा बहुत बड़ा होना चाहिए. आपके पास में जो देखने का नजरिया है वो बड़ा होना चाहिए. तो आपके पास अगर मोबाइल है, आजकल देखिए मोबाइल में भी इतना अच्छा अच्छा कैमरा है, फुल HD 4K सारा 6K 8K तक आ गया ले रहा है सारा वीडियो, तो वो भी बहुत अच्छा है. आप सबसे इम्पोर्टेंट क्या मैटर क्या करता है, आपका जो स्टोरी टेलिंग वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है इसलिए. आपका ऑब्वियसली वीडियो क्वालिटी, हाँ वीडियो क्वालिटी वो मैटर करता है, लेकिन उससे पहले भी आपका जो ये हमारा स्टोरी टेलिंग है वो बहुत मैटर करता है कि आप कैसे उसको शूट करोगे, कैसे स्टोरी को दिखा कर लेकर आओगे और अलग अलग नजरिया से देखो. अभी जैसे कि मान लो हम एक किसी को फोटो खींचना है, वो सीधा खड़ा हो गया, हम भी सीधा खड़ा होकर मोबाइल लिया फोटो खींचा, वो नॉर्मल लोग सारे लोग करते हैं. लेकिन आप उसको अलग ट्राई करके देखो, थोड़ा कैमरे को नीचे लेकर जाओ, फोटो खींच के देखो, वो अलग एंगल आएगा, आपको भी मजा आएगा, अरे ये तो कुछ यूनिक है. या फिर थोड़ा ऊपर से खींचो या साइड से खींचो, आप ट्राई करो 2-3 एंगल से, एक बहुत ही अच्छा आपके लिए आ जाएगा. तो इसी तरह आपका जो नजरिया है देखने का, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको चेंज करना होता है कि आप कैसे उसको चेंज कर सकते हो. तो इसी तरह आप करते रहो तो शायद कैमरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इवन बहुत सारे लोग ने जब मेरे वीडियोस देखा था, उनको पूछा था कि कौन सा कैमरा यूज करते हो, क्या करते हो, तो मैंने उनको बताया मेरा मैक्सिमम वीडियोस तो मैं अपने ब्रिज कैमरा से बनाता हूँ अभी, क्योंकि अभी तक मैं इतना लॉन्ग लेंस एफोर्ड नहीं कर पाता हूँ वाइल्ड लाइफ के लिए. तो जो हमारा ब्रिज कैमरा होता है आपको पॉइंट ऑफ व्यू बस दबाओ तो एकदम जूम निकल जाता है वो सीधा जितने भी दूर हो. हाँ तो सारा उससे बर्ड का मैं वीडियोस लेता हूँ, जो जो दूर है उन सब का लेता हूँ. लेकिन उसे जब कंपेयर करता हूँ तो लगता है नहीं कि आप लोग अरे ये कौन सा कैमरा चले, बहुत सारे लोग पूछा मुझे तो मैं बताया उनको ये कैमरा, तो वो एकदम शौक में आ जाता है, अरे वो कैमरा से वैसे हो सकता है ये. इसलिए आपके पास में जो भी चीज है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करना सीखो, ना कि दूसरे उससे बड़े वाले चीज को सोचना शुरू करो. अगर आप उसको सोचना शुरू करोगे तो आपके पास में जो है इसका भी इम्पोर्टेंस आपको पता नहीं चलेगा. Yeah, that is so true. That is so true. Just experiment with the kind of resources that you have, rather looking for to like you know, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास तो वो है, उसके पास इतने सारा कैमरा, इतने सारे equipments है, मेरे पास कुछ नहीं है. So don't bother about that. We all started with a really like you know, I started with a phone, with my own phone that I've been shooting with. Like currently, I'm live with this phone. So I started with that, and eventually I gained passion towards it. And then I also started like you know, learn and experiment with so many things because I was not like you know, Anthony or other kind of a people who knew about so much about filmmaking right from 2011. I was really dumb girl, and still I feel like that, you know. So it is the more you experiment with that, the more you would be able to understand what you love and what kind of jab aap kisi cheez ko dekhte ho, you will be able to understand what kind of inspiration you are gaining from that subject. So it's really important that you know you experiment. And Anthony has like you know given all sorts of the secret tips and techniques, how to make better use of the resources and make filmmaking as a career. So there is no shortcut, and you have to build on connections upon connections, and have to be really loyal with your work and loyal with your client. The more loyal you would be, the more they would approach you. Right, Anthony? Yeah, right. That was so true. इवन जैसे कि मुझे भी अभी यहाँ तक पहुँचने में पूरे 10 साल लग गए,
तो ऑब्वियसली आप लोग भी अभी से शुरू कर दो तो आगे जाके कहीं ना कहीं आप भी पहुंच ही जाओगे। Yeah, that is so true, I would say. And Anthony, ये सारे जो 10 साल का जो मेहनत है, it is showing colors. And I'm really sure that your family, your brothers, your sisters, they must be so proud of you. And I am so proud of you after listening to your story today. Before that, I just know you as Anthony. और हम कभी मिले ही नहीं, हम कभी ऐसे बातें किए हैं, this is for the first time we are हाँ talking, ना? हाँ हाँ बिल्कुल कभी मिले नहीं, लेकिन How do मैं you how फॉलो do you feel करता talking to था me आप। like that, ना? How do अरे you feel इसीलिए तो talking to me like मैं वही बोलने वाला था ना अभी, क्योंकि एवरी ईयर ना कुछ एक मेरा टारगेट होता है कि मैं इस साल कुछ एक अचीव करूँ, तो इसके बाद वो that? धीरे धीरे टारगेट वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे हाँ. कि 2016 में मुझे ये यंग अचीवर अवार्ड मिला था न्यू दिल्ली में, फिर मैं ट्राई किया 2017 में, हमारे जो फिल्म था उसको टूरिज्म फिल्म ऑफ द ईयर मिला स्टेट का अरुणाचल का। 2018 में हमें वो जो गवर्नर था उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने सम्मान बुला के हमें वो दिया, प्रेजेंट किया। फिर 2019 में लास्ट ईयर में इनके साथ में काम कर रहा था, ये द गाया पीपल जो एक सीरीज बना रहे हैं वो एयर होगा, टेलीकास्ट होगा डिस्कवरी चैनल और एनिमल प्लैनेट में, वो सीरीज आने वाला है ऑन द ब्रिंक सीजन 2। तो 2020 में पहला तो हमने एक छोटा सा फिल्म बनाया था अनुखाव करके, जो हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर में था, उसमें हमें थर्ड प्राइज मिला। और इसके बाद में आज होनिया बाकपे के साथ में हूँ, तो आई मीन सच में हाँ ये भी। I think there is some network problem there. Anthony, he was just coming to the point like today I was with Honia Dakpe. Okay, thank you so much. But I think like let's wait for him and till he comes, let me give more, let me entertain you meanwhile and give more information about Tale Anthony. So Tale Anthony, he is from Zero, the lands of Apatanis, and to all the people, let me just tell you that Apatani are one of the most richest tribe in Arunachal Pradesh, and they are really, really famous for is paddy cum piscic culture. So what they do is that वो पैडी भी उगाते हैं और साथ में वो फिश भी उगाते हैं. तो ये उनका एक यूनिक कल्चर है एंड इट इज बीन लाइक यू नो इट्स नॉट बीन डिक्लेयर्ड बट इट इज बीन गिवन फॉर कंफर्मेशन फॉर अपॉइंटिंग फॉर डिक्लेयरिंग जीरो एज दी World Heritage Site. Oh, okay. Anthony, hi Anthony, can you hear me? Hi Anthony, can you hear me? Okay, there is some little problem. Audience, please stay by. So yes, I was telling you all guys, by Zero has been given for the confirmation of declaring it as a World Heritage Center, site of India. Yeah, not just India, for the entire world. What has just happened to me? Anthony, are you online? Can you hear me? Hi, Anthony. Yes. Can you hear me? Hi, Anthony. Nahi hua. I hope that he would be coming. So please stay by. Meanwhile, I would just request you all guys to please put it down in the comment section and donate whichever possible amount you can. The link for the donation is in the description. And hi, Anthony, can you hear me? सॉरी या आई कैन हियर, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। यस, यू वर सेइंग लाइक आज मुलाकात हुई होन्या से, कैसा लग रहा है मुलाकात करके? हाँ इसलिए मैं बता रहा था ना कि एवरी ईयर मैं कुछ एक टारगेट रखता हूँ, सेट करता हूँ कि इस साल कुछ एक करना है हाँ जो मेरे उस पे आ जाए। तो इस बार 2020 में होनिया दफे से मिलिया में है क्या पता था। सच में मैं बहुत पहले से आपका वीडियोस देख रहा था, तो आई मीन यू आर द वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर फ्रॉम आवर स्टेट ना, तो जो जिस तरीके से आप जो चीज को बताते हो इतना अच्छा लगता है ना वो देखने में सुनने में, तो बहुत ही अच्छे से वो प्रेजेंट करते हो। मैं एक बार सोचा था कि अगर काम करना है ना तो एक बार होनिया दत्ती के साथ काम करना है, जैसे मैं सोचा था और देखिए आज सामने है। I would love to work with you on site, ठीक है? And would जरूर learn a lot from you because I'm not been trained. I've not been like you know the way you guys have been trained. I've not been trained.
I just take inspiration from the subject and I observe people, how people they work and how they take shots. So whatever I learned is through all the observations that I had done. I think like I nailed it through that. So how do you feel? I like you being a professional. Do you think like I up to the mark? I did the work up to the mark. Yeah. अरे बहुत ही अच्छे करते हो. I mean, सच में जो भी काम को कोई भी अपने दिल से करो ना वो उसके 100% अभी जैसे कि मैं जब पीछे देखता हूँ जो मैंने वीडियोस बनाए थे उस टाइम पे जब वो वीडियो को देखता हूँ तो मुझे लगता है यार क्या बनाया मैंने ये लेकिन लेकिन वहीं से स्टार्ट हुआ ना तो फिर अभी लेकिन पता चलता है कि अच्छा कितना इम्प्रूव हो गया उस हिसाब से. अभी पहले मैं कैसे वीडियोस बनाता था अभी मैं कैसा वीडियो बना रहा हूँ लेकिन फिर क्या होता है कि फिर भी मैं सीख रहा हूँ एवरी टाइम लर्निंग ना. जैसे आप लोग का वीडियो देखता हूँ वहां से मैं सीखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनसे सीखता हूँ और बहुत सारे जो टेक्निक्स बताते हैं उनसे सीखता हूँ जो फिल्म मेकर है उनसे सीखता हूँ फिल्म देखता हूँ क्योंकि जैसे आपको पता होगा जो बाकी फिल्म देखते हैं ना बाकी ऑडियंस लोग उनको लगता है कि अरे ये तो मस्त है हीरोइन मस्त है हीरो मस्त है या फिर स्टोरी मस्त है गाना मस्त है लेकिन जब हम देखते हैं हमको स्टोरी कैसे जा रहा है वो टेक्निक कहाँ से आ रहे हैं तो वो हम देखना शुरू कर देते हैं. तो इसी तरह हम सीखते हैं कि अच्छा ये वो वीडियो में ये ऐसा एक आइडिया डाला था मतलब कुछ एडिट किया था ये कैसा किया है तो उसको खोजने में लग जाते हैं यूट्यूब सर्च करते हैं गूगल में सर्च करते हैं कि वो जो इफेक्ट था वो आया कैसे वो बनाया कैसे. तो जब वो आता है उसको देखता हूँ फिर ट्राई करता हूँ अपने लैपटॉप में अगर वो हो जाता है तो फिर उसको नेक्स्ट मेरे वीडियो में अप्लाई करता हूँ या फिर उस पर स्लाइडली चेंज करता हूँ या फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ. तो इसी तरह आप ना सीखते रहते हो. तो आपका क्या होता है कि जो वीडियो आप बनाओगे भी ना तो आपका वीडियो एकदम फ्लेट हमेशा चलते रहेगा कि जो पहले जैसे बनाए वो अभी तक ऐसे चलते रहेगा. आपका लाइफ में अप एंड डाउन होते रहना चाहिए तभी आपका आई मीन वीडियोस भी बहुत अच्छे से चलेगा. Yeah, and I would just love to add one more thing, the Anthony that he has said, like, you know, you keep on learning and you keep on searching the answer of your questions. Why इसको कैसे किया इन्होंने ये कैसे ऐसे हो गया like you know you finally keep on finding the answer and the moment you think like I have learned everything मैंने सब कुछ सीख लिया that moment you have started going down. So never think like you know मैंने सब कुछ सीख लिया. That is learning is unstoppable. You can never like you know learn 100% of anything. So you the learning that is spontaneous and you have to keep on learning new things. And this is I think Anthony Jo jis tarike se bola this could be added in one of the tips and techniques of how to take filmmaking as a career that you taking inspiration from your environment. And keep on observing and finding out the question, the answers for your question. ये किसको इसको कैसे किया? इन्होंने ये कैसे शूट किया? है ना? और ये कैमरा को करो जो यहाँ से ऐसे शूट आता है. So you know the beautiful questions that you can explore within yourself. And Anthony, wonderful talking to you. यहाँ पे आके ना almost the time has been gone, but you know, after keep on coming, and there's so many questions to ask you. But I definitely get in touch with you personally, and would love to work with you on site one day. Let's hope, let's say to God that it happens. Okay? That was so sweet of you. So anything like you know before I end up the session I would gently like to request each and every one of you that today we have Talo Anthony who is a renowned wildlife filmmaker from Arunachal Pradesh has been awarded by the Young Achiever Award and he has been also awarded by the Governor of Arunachal Pradesh for his work. Anthony, before leaving, any kind of wisdom, small wisdom that you would love to deliver to people? Sorry, Honya? Honya? Hello, Anthony? Yeah, can you hear me? Anthony? आवाज रोबोटिक हो गया आपका. Can't hear you. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Hello. Honya. Hello.
was there. Hello. Yeah. I think you're live. Again. So I think we are live again. So two people not been getting. What's just happening? Joining today, so me and with COVID live session with Anthony around while I'm and I think Anthony has been very wrong connection. I think that I've just interacted with each and everybody for. Possible amount you can. The link for the donation is in the description and also on the screen. On behalf of Anthony and the entire team of UMIDRIVERS.co, which is the UMIDRIVERS collaboration with, I send all the good and happiness to you. See you all again very soon with an amazing session.